हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और आपको इसका आंसर भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर मालूम हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले एग्जाम, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, ईटीसी, बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, अगर आप इन सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या एक, कौन ऐसा जीव है जो 3 साल तक सोता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है घड़ियाल, बी में है समुद्री घोघा, सी में है केंचुआ और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समुद्री घोंघा। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दो, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पंजाब में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है बिहार में और ऑप्शन डी में है हरियाणा में। बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा में। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 80 से 85%, बी में है 70 से 75%, ऑप्शन सी में है 85 से 90% और ऑप्शन डी में है 65 से 70%। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 65 से 70%। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है बिहार से, बी में है असम से, सी में है मुंबई से और ऑप्शन डी में है बनारस से। दोस्तों, बता दूं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुंबई से। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 12, बी में है 20, सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 8। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 8। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में लागू हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोलकाता से, बी में है बेंगलुरु से, सी में है मुंबई से और ऑप्शन डी में है पटना से। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंगलुरु से। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे ताकतवर राज्य किसे माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोलकाता को, बी में है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र को और ऑप्शन डी में है बिहार को। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र को। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शहर में चली। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोलकाता में, बी में है दिल्ली में, सी में है मुंबई में और ऑप्शन डी में है अमृतसर में। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोलकाता में। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किस देश में 2 शादी करना अनिवार्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कतर में, बी में है सऊदी अरब में, सी में है अफ्रीका में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अफ्रीका में। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन बनी थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है लक्ष्मीबाई, बी में है रजिया सुल्तान, सी में है जोधा भाई और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बता दें आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रजिया सुल्तान।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।